सिंध असेंबली की बत्तियां भी गुल हो गई, दौरान इजलास बिजली गायब। कराची में 12 घंटे की गैर ऐलानी लोड शेडिंग, स्ट्रीट लाइंस भी चोरी होने लगी कि इलेक्ट्रिक कब काम करेगा, शहरी मुंतजर। बिजली के शोबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी, कोहाला हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के सफरी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि आज का दिन तारीखी है, अब मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज किया जाएगा। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म पर सीपैक को सबोताश करने का इल्ज़ाम, मजीद कहा कि हुकूमत हर मामले में बुरी तरह नाकाम हो गई, काम को वज़ीर आज़म के वादों और उम्मीदों ने मार दिया। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस, अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बहरान का जिम्मेदार कौन है, अदालत या वफाकी काबीना? चीफ जस्टिस। आईजी साहब, ये हो क्या रहा है, पुलिस किस सम्त जा रही है? काली भेड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ, वाके ने मुआशरे की बुनियादों को हिला के रख दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहम। कोरोना वायरस के संगीन सूरत हाल, लाहौर के 7 इलाके और इस्लामाबाद के मजीद 4 इलाके सील कर दिए गए। बंद इलाकों में सिक्योरिटी अहदेदारों के एहलकार तैनात। जब आवाम नहीं बदलती तो कोरोना क्यों बदलेगा, शहरियों के एसओपीस की खिलाफ वर्जी, इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। शेख रशीद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, अस्पताल जराय ने तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर 2 हफ्ते से एमएच में जेरे इलाज हैं, डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। और कौमी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों का लाहौर के होटल में पड़ाव, अलग अलग कमरों में ठहराया गया, एसओपीस फॉलो करना होंगी। पहले टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले 18 क्रिकेटर्स को लाहौर बुलाया गया।